नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। वेदांत आश्रम में चल रहा है राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर। जी हां, सेंट आरएसएस पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर ग्राम स्वरूप नगर के वेदांत आश्रम में विगत 7 दिनों से चल रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन बच्चों को सुबह से व्यवहारिक एवं बौद्धिक रूप से सक्षम बनाने के प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति प्रतिदिन हो रही है। सेवा योजना द्वारा छात्र छात्राओं को ग्राम में स्वच्छता, स्वास्थ्य से संबंधित व जन जागृति की बातें बताई जा रही हैं। शिविर के 6वें दिन वेदांत आश्रम के संत अंति डॉक्टर राम कमल दास द्वारा छात्रों के मन में उभर रहे प्रश्नों के उत्तर दिए गए। महाराज ने सभी छात्रों को माता पिता पूजन के संबंध में विस्तार से बताया। शिविर के प्रभारी आचार्य दिनकर जी ने बताया कि स्कूल द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। विदिशा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलन चौबे की एक रिपोर्ट। क्या कहूँ, मैं शब्द ही नहीं हूँ। सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में NSS राष्ट्रीय सेवा योजना के कैंप आयोजित किए जाते हैं। ये पूरे क्षेत्र यानी स्कूल स्तर से लेकर पूरे देश स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। सेंट एसआरएस हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के द्वारा NSS का ये कैंप बालक और बालिका वर्ग का यहाँ पर वेदांत आश्रम में आयोजित किया गया। ये 7 दिवसीय शिविर है, आज इसका 6वां दिन है, कल इसका समापन होगा।